हाय एवरीवन, दिस इज़ भारती। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केशन विद भारती। सो आप लोग ये बांसुरी देखकर तो समझ ही चुके होंगे कि आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं। इतना तो समझ ही जाते हो। मैं आपको बता दूं कि आज मम्मी बोल रही थी मुझसे कि टिया, हमें लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्तर बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बना देते हैं। मम्मी बहुत दिन से भी बोल रही थी, तो आज वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो मैंने कहा ठीक है भैया बना देते हैं। पहले तो मम्मी बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो मेरे घर पर दो छोटे छोटे से हम लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको हम रात को सुलाते हैं, एकदम जैसे हम कैसे सोते हैं उनको वैसे सुलाते हैं हम लोग। उनके लिए मुझे एक गद्दा बनाना हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने ये कॉटन ले ली थी। ये कॉटन आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये मम्मी ने कॉटन लेकर आई हुई थी, तो मुझे इनका बनाना था। और बहुत ही अच्छी कॉटन थी ये, क्योंकि जिसको जैसा इसको खोलना चाह रहे थे वो खुल भी रही थी। मतलब होती ना एकदम, वो गोल गोल वाली अलग होती है और ये प्लेन वाली अलग होती है। और ये कपड़े थे, इनके मुझे बनाना था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें आप, कि आप जब लड्डू गोपाल जी के लिए, किसी भी भगवान जी के लिए कपड़े, या माँ दुर्गा, अभी नवरात्रि भी आने वाली, तो आप चुंदरी वगैरह चढ़ाते हो, तो ये चीज़ आप खुद के कपड़ों से ना बनाएं, इनके लिए कोरे कपड़े लेकर आएँ पहली बात तो। क्योंकि आप अपने ही पहने हुए कपड़े से भगवान जी के कपड़े बनाएंगे तो ये बात सही नहीं है। मुझे इन सब बनाना था, तो वो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सब में से मुझे ग्रीन वाला धागा निकालना था, और ये कंगूरे थे जो मम्मी ने बनाए हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना इनको भी किसी यूज़ में ले लेते हैं, और ये कपड़े थे। मैं बहुत ज़्यादा वाली कंफ्यूज थी कि इसको तो मेरे को सबसे ऊपर उसमें कवर करना था रुई के ऊपर, कॉटन के ऊपर, लेकिन इन दोनों में से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको चेक कर रही थी दोनों को कि सबसे कन्फर्ट वाला कौन सा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कन्फर्ट वाला था, तो मैंने इसको किया कंप्लीट कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने इनको चौक, पहले तो कॉटन जितनी जितनी निकल रही थी उसको तो पहले निकाल दिया, और जो जो बची थी आप लोग देख सकते हो। फिर चौक की हेल्प से मैंने ये नाप ले लिया था और बस कैंची से कट कर लिया था। ये डबल कपड़ा था, एक बात आप हमेशा याद रखें। इसके नीचे मैंने एक और कपड़ा लगाया हुआ था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये। बस इसके ऊपर फिर मैंने इसको ऐसे रखा और सुई धागे की हेल्प से मैं हाथों से सिलने लगी। जी हाँ, मैं मशीन से भी सिलूंगी, लेकिन आप जिसके यहाँ पर मशीन नहीं होती है तो वो हाथ से भी सिल सकते हैं, ऐसा कोई वो तो है नहीं कि भैया मशीन से ही सिलना है। बहुत कम लोगों के घर पे मशीन नहीं होती है, किसी किसी के घर मशीन हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने ये ग्रीन कलर का धागा चुना था और बस इसमें धागे में गठान बांधी और बस शुरू हो गई। मैं भी आराम आराम से, हाथों से भी मज़े आ रहे थे, और मैं जब मशीन से कहूँगी, पहली बात तो ये है कि मम्मी की मशीन है तो मम्मी बैठने बिल्कुल नहीं देती है मुझे। उसका कारण ये है कि मैं जब भी, पता है, मशीन पर बैठती हूँ ना, मम्मी की सिलाई मशीन पर, तो मैं कुछ ना कुछ उसका बिगाड़ ही देती हूँ, जिससे मम्मी तो बहुत गुस्सा होती, क्योंकि मेरी भी कभी कोई चीज़ बिगाड़ देता तो मुझे बहुत गुस्सा होती है। फिर भी मैंने इस बार, जब मैं मशीन पर बैठी थी, तो मैं लिटरली बता रही हूँ मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था और बहुत ही संभल संभल के अच्छे तरीके से मैंने कर दिया था। यहाँ पे मैंने हाथ से कर दिया था, पूरे साइड मैंने इसमें हाथों से किया था, और जो बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। तो कॉटन को अंदर लिया और बस इस टाइप से कट कर दिया मैंने, और हाथों की हेल्प से बड़े ही आराम आराम से करना है। और रुई भी आ रही थी कुछ कुछ, मेरे हाथ से ज़्यादा इधर से कट गई थी कैंची से, तो मैंने वहाँ पे रुई को भी फोल्ड कर दिया था ऐसा। पता है बहुत ही क्यूट क्यूट से लगते हैं ना, जब अपन छोटे छोटे से बिस्तर बनाते हैं। और बस इसे कैंची से कट कर दिया था मैंने, और इसको भी फोल्ड करना था मैंने, तो मैंने सोचा कि पटाख से इसको भी हाथ से कर देते हैं फोल्ड अपन, और फिर आगे का और भी काम होगा वो अपन मशीन से कर देंगे। तो आधा काम हमने हाथों से किया है, आधा काम हम मशीनों से करेंगे। और आजकल पता है मैं वीडियो है ना रात में बनाने लगी हूँ, क्योंकि रात में वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्ब की बात होती नहीं है रात को वीडियो बनाने में, क्योंकि सब अपने अपने काम से छुटकारा पाके, गांव में तो बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं। मैं तो थोड़ा 11 बज जाता है मुझे सोते सोते, तो मैं आराम से वीडियो बना लेती हूँ रातों में, तो और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये हमने ये कंप्लीट कर दिया था। अब बात आती है इसकी, तो इसके ऊपर मुझे इस टाइप से कवर बिछाना था।
तो बस ऐसे इसको कवर लिया, पहले तो उल्टा किया मैंने इसमें, और फिर पहले मैंने सोचा कि हाथ से कर लेती हूँ मैं, फिर मैंने सोचा नहीं 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 यार, अब हम मशीन से भी करके बता देते हैं। सो मैं मशीन पर बैठ तो गई थी भगवान जी का, राधा रानी का नाम लेकर, कि इस बार कुछ ना बिगड़े। फिर बस झली झली से मशीन चलाई मैंने भी राधा रानी का नाम लेते हुए। और जब मैं ये बना रही थी तब मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, राधे राधे राधे। अब मुझे हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए तकिए बनाने थे, क्योंकि भाई तकिए तो लगते ही हैं सबको, मुझे तो लगते भाई। बस मैंने नॉर्मली इस टाइप से ऐसे ज्वाइन कर दी है, और बस बीच में उसमें कॉटन, मखमली कॉटन डाल दूंगी मैं। और पता है इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, और पता है जब भी आप भगवान के काम करो ना, तो सिर्फ माइंड एक ही तरफ रखा करो, सिर्फ भगवान की। और ही मतलब जैसे मैं अभी ये श्री कृष्ण जी के लिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए सामान बना रही थी, तो बस मन में एक ही नाम था, राधे राधे राधे। और ये नाम लेते रहने से भी बहुत कुछ अच्छा होता है जीवन में। मैं अभी भक्ति की बात बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ। यहाँ पे हमारे मशीन बिगड़ चुकी थी जी हाँ, तो मैंने हाथ से करना शुरू कर दिया था। वो हुआ यूँ था कि मुझे धागा लगाना नहीं आ रहा था उसमें, तो मैंने हाथ से ही करना शुरू कर दिया था। और ये बात शायद मम्मी को पता नहीं, लेकिन वीडियो देखकर पता चल जाएगी। और ओके, फिर क्या बोलते, मैंने पहले तो ये तकिए का सोचा, फिर मैंने इसमें देखा कि ये थोड़े से इसमें जो डिज़ाइन है ना, ये सितारे से गड़ रहे थे। तो मैंने है ना क्या बोलते कि मैंने दूसरे तकिए बना रही, उसमें कवर दूसरे चढ़ा दिए थे। ये हमारा हो चुका था गद्दा तैयार। और ये दो छोटे छोटे से तकिए थे, और ये पैर जैसे हमारे नाना जी पैर के ऊपर, मतलब नीचे पैर के नीचे रजाई रख कर सोते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके लिए भी छोटी सी रजाई बना देती हूँ। और ये हमारे लड्डू गोपाल को मम्मी ने देखो बेचारी ने कितने उसमें करके सुला दिए थे। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जब मैंने उनसे बोला कि मैंने ये बना कर लेकर आ गई। तो हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल 9 बजे सो जाते हैं, क्योंकि सुबह इनको झल्ली 4 बजे भी उठना रहता है। बस इनको बस आराम से ऐसे करके सुला दिए थे मम्मी ने। ये मैंने बताया था दो दो लड्डू गोपाल है हमारे यहाँ पे, एक थोड़ी सी बड़े हैं एक थोड़ी सी छोटे हैं। और बस इनको आराम से, अब इनके लिए मुझे और हाँ, कम्बल भी सब्सक्राइब माय बनाना था यूट्यूब चैनल, मिलते गर्मी हैं के नेक्स्ट लिए वीडियो अलग, में। ठंडी यदि के आपको लिए भगवान अलग, जी वो की बारिश कपड़े के भी लिए बनवाना अलग। हो तो प्लीज कमेंट और जरूर बस करना, इनको मैं तो अच्छे हम हाउस डिजाइन से वाले करके सुला कपड़े दिया था। मम्मी थैंक से यू सो जरूर मच वॉचिंग बनवाऊंगी, मी मम्मी वीडियो। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाती हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आपका दिन अच्छा रहे।